हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं शेख हसीना के जाने से क्यों खुश मोदी विरोधी। ओ बांग्लादेश न्यूज लेटेस्ट नरेंद्र मोदी। अब मोदी विरोधी क्यों खुश है भाई? तुम क्या देश के भी विरोधी हो? मैं तो ये क्वेश्चन पूछूंगी, क्या अपने भारत देश के भी विरोधी हो जो तुम इतने खुश हो रहे हो? क्योंकि शेख हसीना का जाना भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अब जो भी गवर्नमेंट आएगी वो एंटी इंडिया होगी। अब वो प्रो चाइना होती है, प्रो यूएस होते हैं, वो हमें नहीं पता, पर एंटी इंडिया है, सेक्युलर नहीं होगी। हाँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेक्युलर नहीं होगी। वहां बांग्लादेश में और रेडिकलाइजेशन होगा और उसकी वजह से हमारे बॉर्डर्स में भी प्रॉब्लम होगी और हमारी कंट्री, दोनों कंट्रियों के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम होगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि ये जो देश है बांग्लादेश, अब उसके बाद पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि उनकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, वो कहा है, वो वैसे ही नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश बने, वो उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 5 अगस्त को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। छात्रों की शक्ल में कुछ भिखमंगे उनके घर से मछली और मुर्गियां तक चुरा ले गए। जिहादियों की उसके पास भी डक्स थी। गारमेंट्स को भी हाथ में लेकर उसे भी हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई। हिंदुओं पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, कई जगह मंदिर तक फूंक दिए गए। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और पता नहीं किसको रिहा भी कर दिया जेल से। उसकी आईब्रोज नहीं है लेडी की, शायद वो संगठन है जो कट्टर इस्लाम को फॉलो पेंसिल लगाती है, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भारत की सपोर्टर थी। कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत के लिए जो कुछ गलत हो सकता था वो हो रहा है। वहां की 1,30,00,000 हिंदू पॉपुलेशन खतरे में आ गई है। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्यों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। मगर बावजूद इसके भारत में बहुत सारे लोग शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम न रहने का ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे किसी बांग्लादेशी रिक्शे वाले की भारत में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। वाह, कौन लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं? शेख हसीना के बांग्लादेश का प्रधानमंत्री न रहने पर इन कुकुर मुत्तों की फौज क्यों खुश है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। कौन सी फौज? लेते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर भारत को क्या क्या नुकसान है। इसमें वीडियो पूरी देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से इस बात की चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना क्लोज क्यों है। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी है। जुलाई में ही $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को तरजीह दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2,200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये वो बॉर्डर है जहां से घुसपैठिए और टेररिस्ट एलिमेंट्स लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसा बॉर्डर नहीं है, मगर शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान की आईएसआई और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भारत के दोस्त शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिली कि पाकिस्तान की आईएसआई और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे थे। इस काम के लिए जमात को आईएसआई से मोटा पैसा भी मिला था। और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी बांग्लादेश अजीब सी हैं। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। ये भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से ये कह रहा था कि वो उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे, और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया। उसी वक्त से अमेरिका की डीप स्टेट अपने काम में लग गई थी। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थी। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वो अपने ही देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी।
इसलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को ही होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। मगर जैसा कि मैंने कहा, फिर भी बहुत सारे कुकुरमुत्ते इस बात पर ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे कोई छपरी लौंडा बारिश में किसी लड़की के स्कूटर से गिर जाने पर खुश होता है। गजब बेइज्जती है। और ये लोग इस हद तक खुश हैं कि ये जिहादी शेख हसीना के घर सामान भी चोरी कर रहे हैं और उनके अंडरगार्मेंट को हवा में लहराकर एक औरत की बेइज्जती भी कर रहे हैं। तब भी बहुत सारे टीवी से बेरोजगार हुए एंकर्स इसे क्रिटिसाइज करने की बजाय इसे भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। मतलब यही भीड़ मंदिरों में आग लगा रही तो इन्हें नहीं दिखता, यही भीड़ हिंदू बस्तियों को तबाह कर रही है ये भी इनको नहीं दिखता, बांग्लादेश और औरतों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं ये सब भी इनकी मोतियाबिंद आंखें नहीं देख पा रही हैं। मगर ये ऐसे अकल के दुश्मन हैं कि भीड़ की हिंसा में उसकी शक्ति देख रहे हैं। ये वो ढीठ हैं जिन्हें अपने मालिक क्योंकि उनका भी ब्रेन इन्हीं की तरह का दिमाग है। बताइए कौन ऐसा बेरोजगार एंकर, क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक आप कमेंट करें मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियन इतिहासकार मीनाक्षी जैन मैम के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने किया जहां भारत के इतिहास को कैसे सैकड़ों सालों तक लोगों ने तोड़ मरोड़ कर हमें पेश किया, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया, कैसे उन लोगों की पोल पट्टी खुली है, उस पॉडकास्ट में आप जरूर देखिएगा। इससे पहले वाला एपिसोड पॉडकास्ट का ही है, इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। बड़ा ये कौन सी जगह है, राम मंदिर। शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर खुशी के मारे अपने कपड़े फाड़ लेने वाले इन गैंडुओं का कहना है एक सेकंड, मैंने ज्ञान बोला, ये क्या कर रहे हैं, का कहना है कि शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि वो डिक्टेटर थी। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं, डिक्टेटर होते वो भागती नहीं तुम्हें खत्म करती। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने गलत तरीके से इलेक्शन करवाया था। अब मैं पूछता हूँ, क्या इसमें से किसी भी बात में कोई सेंस है? क्या कोई देश अपनी फॉरेन पॉलिसी इस बात से डिसाइड करता है? शेख हसीना अगर बंदा कैसे डरा उससे, दूसरे से वैसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, वो तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। अगर शेख हसीना जनता की आवाज दबाती हैं, तो चीन तिब्बत से लेकर हांगकांग में क्या कर रहा है? उइगर मुसलमानों के साथ वो जो कर रहा है वैसा जुल्म तो पूरी दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। अगर विदेशी रिश्ते इन बातों से तय होते तो आज पूरी दुनिया को चीन से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। क्या बात है सर, अमेरिका ने यूएन के मना करने के बावजूद अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए थे तो क्या मुसलमानों के रहनुमा पाकिस्तान ने उससे भीख मांगनी बंद कर दी? बताइए, आज इसराइल अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे लेबनान से लेकर ईरान, सीरिया और गजा में हमले कर देता है तो क्या पूरी दुनिया ने उससे रिश्ते तोड़ लिए? पूरी दुनिया तो छोड़ो, खुद अरब देशों ने उससे रिश्ते नहीं तोड़े हैं बॉस, ये है रियलिटी। इसलिए प्यारे मोहन, रिश्ता चाहे दो लोगों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच, वो हमेशा आपसी फायदे पर टिका होता है। अगर शेख हसीना भारत के लिए सही है, भारत के हित को आगे रख रही है, अगर उनके पीएम रहने से भारत से बांग्लादेश का बॉर्डर सेफ था, अगर उनके रहते बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित थे, तो भारत को बाकी बातों से क्या लेना देना। उसी तरह भारत भी मेडिकल सुविधा के लिए बांग्लादेशियों को ई वीजा देता है, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग भी देता है, नई ट्रेन और बस सेवा के लिए उसे चलाता है, सालों पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करता है, गंगा जल समझौते के लिए कमेटी बनाता है, तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए भारत से एक टीम बांग्लादेश भेजता है। तो बताइए बांग्लादेश को उससे क्या प्रॉब्लम है? और इल्जाम तो किसी पर कोई भी लगा सकता है बॉस, बड़ा सिंपल काम है। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश में इलेक्शन फेयर नहीं हुए इसलिए लोग गुस्से में थे। अरे भाई, शेख हसीना की आवामी लीग को 300 में से 240 सीटें मिली थी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 240 सीटें पार्टी और इसलिए उनके खिलाफ जो हिंसा हुई वो जस्टिफाइड थी। अब ये सेम लॉजिक तो ये लोग भारत में तो कभी जस्टिफाइड नहीं। भारत में भी इलेक्शन से पहले ईवीएम के नाम पर इतनी छाती कूटी गई कि उसकी आवाज से 6 महीने में 50 बार तो कुंभकर्ण की भी नींद टूट गई। मगर इलेक्शन के बाद जब इंडी गठबंधन को 225 सीटें आ गई, फिर चुप, ईवीएम छाती गैंग, मुझे लगा ईवीएम में गड़बड़ करके जीतते हैं। बोलिए, ये तो धोती खोल रहा है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही अगर किसी देश से रिश्ते रखने का पैमाना है तो पाकिस्तान से बड़ा चुनावी फ्रॉड पूरी दुनिया में कहां होगा, जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पीटीआई के लीडर इमरान खान आज भी जेल में है। हमने तो भारत में कभी नहीं सुना कि हमें पाकिस्तान से कभी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां पर फेयर इलेक्शन नहीं होते। इनफैक्ट लोगों की बात की थी करना चाहिए, भी नहीं बोला बांग्लादेश का, बोल दिया युद्ध लड़ना पड़ा था। हम तो आज भी मालदीव के उस राष्ट्रपति मोइजू से रिश्ता रखे हुए हैं नहीं रखना, जो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मालदीव का राष्ट्रपति बना नहीं रखना। इसलिए इस बात में क्या लॉजिक है कि शेख हसीना डिक्टेटर थी, तानाशाह थी, वहां कैसे इलेक्शन हुए, कितनी धांधली हुई? हेलो, न इन बातों को हम भारत में बैठकर प्रूव कर सकते हैं और न ही खारिज। हमें तो बस ये देखना था कि वो भारत के लिए कैसी थी, हमारे लिए कैसी थी।
रही बात रिजर्वेशन पर मचे ताजा घमासान की, तो उस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। अरे भाई, ये रिजर्वेशन तो 2018 में खत्म कर दिया गया था। वो तो हाल ही में वहाँ की हाईकोर्ट ने एक बात कही कि उस रिजर्वेशन को दोबारा लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने क्यों बोला? हाईकोर्ट को क्या हुआ था? हाईकोर्ट के फैसले को पलट कर लगभग हर तरह का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में 90% से ज्यादा सीटों पर कोई आरक्षण नहीं रह गया। That was not enough because they wanted to do something else. फिर से हाईकोर्ट ने लागू किया, उसे हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें शेख हसीना कहां से आ गई? ये गड़बड़े बाबा। मैं तो तभी फोन किया कि जुलाई के आखिरी हफ्ते उनको हटाना था इसे, जब आरक्षण खत्म कर दिया था तो उसके बाद तो शेख हसीना के खिलाफ चल रहा आंदोलन भी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अगस्त में वो फिर शुरू हो गया। इस पर स्टूडेंट्स की शक्ल में छिपे जिहादी नई डिमांड लेकर सड़क पर आ गए, ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के टाइम कुछ लोग सड़कों पर आए तो फार्म बिल को लेकर, लेकिन इनमें से कुछ लोग उस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराने लगे। अब एंटी फार्म लॉ आंदोलन अचानक से कुछ लोगों के लिए प्रो खालिस्तान आंदोलन कैसे बन गया, ये सभी को पता है। बताइए, बात तो सही है। इसी तरह बांग्लादेश में रिजर्वेशन का विरोध कर रहे काफी छात्रों को, स्टूडेंट्स को, न आरक्षण से मतलब था और न ही किसी और चीज से। वो पूरा हिंसक आंदोलन शेख हसीना को हटाने की साजिश थी। अब इस साजिश में बांग्लादेश के लोकल एलिमेंट्स के अलावा अमेरिका का डीप स्टेट भी शामिल हो सकता है, चीन भी, और पाकिस्तान का ISI तो था ही। वो तो अगर ये मत कहिए कि ये स्टूडेंट्स का कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, छात्रों की शक्ल में जो भी थे वो एक खास पार्टी और संगठन के ही लोग थे, ये क्लियर है। पॉलिटिकल पार्टीज वांट टू कम इन पावर। जाने से क्या नुकसान हुआ हमने आपको वो बताया। शेख हसीना को लेकर भारत के कुछ कुकुरमुत्तों की क्या शिकायत है, क्या कंप्लेंट है और उस शिकायत में कितना दम है, हमने आपको वो भी समझाया। अब आते हैं उस बात पर कि फिर से ये कुकुरमुत्ते शेख हसीना के जाने पर इतना खुश क्यों है। दरअसल इन कुकुरमुत्तों की खुशी बड़ी साफ है, वेरी क्लियर। जब भी दुनिया में किसी चुनी गई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है जहां जनता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर घुसकर सामान फेंकती है, चुराती है, ऐसा करके वो हिंसक भीड़ उस देश के मुखिया को डराती है, तो भारत में बैठे कई लोग भी सपने देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सेंटर में बैठी जिस सरकार को हम पसंद नहीं करते, जिस सरकार को अपने इतने प्रोपोगंडा के बावजूद हम उखाड़ नहीं पा रहे, इस सरकार के साथ भी यही होना चाहिए। कोशिश तो बहुत की थी मोदी जी को हटाने की, चुनी सरकार के तख्ता पलट का जश्न मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग तब भी खुश थे जब श्रीलंका में ऐसा हुआ था और ये लोग आज भी खुश हैं जब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। इसीलिए अगर भीड़ शेख हसीना के घर में हेलमेट पहन उनका सामान भी चुराती है तो भारत में बैठे कुछ पूर्व क्या लेके जा रहा है उसे मछली करते, ऐसी हरकतों को जस्टिफाई करके वो एक तरह से भारत में बैठे कट्टरपंथी एलिमेंट्स को ये मैसेज देते हैं कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, ये पूरी तरह से जायज है, आज तुम भी दबाए जा रहे हो। यानी ये लोग उस भीड़ तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो प्यारों, पूरी दुनिया में सताए हुए लोग सरकारों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और तुम अभी तक टीवी पर नच बलिए देख रहे हो, जाओ जाओ अपने जैसे 50-100 और सिरफिरों को इकट्ठा करो और बोल दो सरकार पर हमला। कुछ भी, सरकार को उखाड़ फेंकने की इस हवाई हसरत में ये लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम न रहने पर भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होगा, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। वहां के लाखों हिंदू खतरे में आ जाएंगे, पाकिस्तानी एलिमेंट्स वहां अपनी जड़ें जमा लेगा, बांग्लादेश से लगे भारत के बॉर्डर से घुसपैठ बढ़ सकती है, चीन भी बांग्लादेश को अपने पाले में ले लेगा। इन कुकुरमुत्तों को इनमें से कुछ दिखाई नहीं देता। नफरत एक ऐसा नशा है दोस्तों जिसके आगे महंगी से महंगी शराब भी फीकी लगती है, और ये लोग पिछले कई सालों से वही नशा कर रहे हैं। जैसे एक नशेड़ी हर सुबह उठकर जब तक पाउडर न खींच ले तब तक उसे होश नहीं आता, उसी तरह नफरत के इन सौदागरों को तब तक सांस नहीं आती जब तक ये रोजाना जहर न उगल ले। बाकी आपको क्या लगता है, हम भारतीयों को शेख हसीना के जाने का जश्न मनाना चाहिए? क्या उनका जाना हमारे लिए अच्छा है? और अगर अच्छा नहीं है तो जो लोग भारत में उनके जाने पर पेड़ की डालियों पर लटक कर बंदरों के साथ कैबरे डांस कर रहे हैं, वो इतना खुश क्यों है? आपकी इस पर जो भी राय है, जो भी ओपिनियन हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये इंपॉर्टेंट वीडियो सब तक पहुंचनी चाहिए इसलिए इसे भी जरूर शेयर करिएगा, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को। देखो मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे तो यही नहीं समझ आया था कि भैया कोटा जब हट गया था, निकाल दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को खास उसको कहा कि भाई नहीं तुम उसको वापस लाओ, वो मुझे समझ में नहीं आया था। तो ये बहुत ही मतलब सोचा समझा कुछ प्लान लग रहा है मुझे तो। सबसे पहले मैंने ही इस बात को कहा था कि सुप्रीम जो भी हाई कोर्ट लेके आया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, गवर्नमेंट भी कोटा नहीं चाहती थी, फिर भी ये सब क्यों कंटिन्यू हो रहा है? उसके बाद ये था इसलिए कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि लोग कह रहे थे कि वो आयरन फिस्ट है वो मिलिट्री का यूज़ करती है क्रश करने के लिए चीज़ों को, थोड़ा सा भी अपोजिशन आता है मिलिट्री से क्रश करती है, अगर लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इतनी तेज़ी से क्यों किया, इतने लोग क्यों मारे, इतने लोग मर गए थे,
हो सकता है उसको खबर हो कि वो जमानत क्या नाम है उसका, उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, जमात इस्लामिया, जमात इस्लामिया का हाथ जो भी है। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि इलेक्शंस में भी कोई मेन अपोजिशन पार्टी खड़ी नहीं हुई। हाँ, तो पर वो तो खुद उन्होंने खुद ही बॉयकॉट किया था ना, उनको किसी ने कहा तो नहीं कहा था, तो उसमें आप इसको शेख हसीना को तो ब्लेम कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि क्या फिर डेमोक्रेसी हुई जब पार्टीज ही जो मेन पार्टीज हैं वही बॉयकॉट कर गई, तो आपका इलेक्शन जो भी होता है उसमें जीतना तो ऑब्वियस था, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। तो हुआ ये था, मगर कोई तो फोर्स है इसके पीछे जिसके वजह से इतना लंबा खींच चुका, इतनी छोटी सी बात से इतनी आग नहीं लग सकती, लोगों को मोबिलाइज करने लग गए, ये करने लग गए, और इवेंचुअली अभी जो है मेरे ख्याल से मोहम्मद यूनिस को बनाया है। हाँ। जो नोबेल पीस प्राइज विनर है, तो बनाया तो ठीक इंसान को है, और पर उसके ऊपर भी बहुत केसेस कुसेस में पड़ रही थी हुए हैं, और उस केसेस जो भी किए थे शेख हसीना ने उसके ऊपर किए थे, शेख हसीना उसकी बात नहीं बनती थी। अगर तो नेट रिजल्ट ये है कि बांग्लादेश बहुत ही सेक्युलर हटके एक रिलीजन को अडॉप्ट करता है, इस्लाम अडॉप्ट कर लेगा, रिलीजन में डूबता है, एंटी इंडिया बनता है, तो इट इज़ बैड फॉर इंडिया, चाहे जिसने भी ये सब किया हो। और अगर हम कहते हैं किसी और ने किया है, यूएस ने किया है, दैट मींस यूएस इज़ वेरी पावरफुल कंट्री जो ये सब करा सकती है। और अगर चाइना ने किया तो चाइना भी वेरी पावरफुल कंट्री। अब ये टाइम बताएगा किसने किया, क्योंकि अब पता चलेगा थोड़े टाइम में कि बांग्लादेश से फ़ायदा किसका हो रहा है। अगर तो यूएसए का बेस यहाँ बन गया तो मतलब यूएसए ने किया है, वेरी पावरफुल कंट्री जो इतना कुछ कर। और अगर ये चाइना के साथ चले गए तो इसका मतलब चाइना ने किया है। पर पाकिस्तान का तो पक्का हाथ है 101, क्योंकि पाकिस्तान जो है या तो ये चाइना के साथ मिलके इसने किया है या पाकिस्तान ने यूएसए के साथ मिलके किया है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। और बहुत प्लान करके ये सब किया गया है कि भैया हटाना ही हटाना है शेख हसीना को। पर यह है कि शेख हसीना, ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, हमें नहीं पता हाउ गुड शी वॉज या हाउ बैड शी वॉज, पर इतना जरूर है कि हमारे इंडिया के साथ जो था उसने रिलेशनशिप्स अच्छे रखे थे और उसने अपनी कंट्री को एटलीस्ट सेक्युलर बना के रखा हुआ था। ये दो पॉजिटिव चीजें थी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।